तो हे गाइस, एनसीबीटी आईटीआई रिजल्ट जुलाई 2019 यूपी का फाइनली जो रिजल्ट है वो 18 नवंबर सोमवार को घोषित कर दिया गया था। जैसा कि मैंने बताया था, एनसीबीटी आईटीआई का रिजल्ट 18 नवंबर को आ जाएगा किन्हीं दो राज्यों का, लेकिन किसी कारण से एक राज्य का रिजल्ट जारी किया गया और एक जो राजस्थान या एमपी का रिजल्ट जारी करना था वो नहीं हो पाया। अभी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ किन किन राज्यों का रिजल्ट बाकी है और किन किन राज्यों का रिजल्ट डेट यानी कब रिजल्ट आएगा, इसके बारे में मैं बहुत बड़ी अपडेट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आप एनसीबीटी आईटीआई स्टूडेंट हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ट्रूथ एंड जो बिलीवेड जो वीडियो है सबसे पहले चैनल पर आपको आ जाएगी और आपको वीडियो प्लीज और प्लीज एंड तक देखना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना है, वीडियो चल गई वीडियो को लाइक करना है। अब हम जानते हैं 6 राज्यों का परिणाम एक साथ जारी होगा, लेकिन कब होगा, बट जो है रिजल्ट कब जारी होगा, इसके बारे में मेन मुद्दा इस वीडियो में आपको सॉल्विंग मिल जाएंगी, आपको इस वीडियो में सब कुछ उत्तर मिल जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखना है। अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एनसीबीटी आयोग का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। अब मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि रिजल्ट जो है एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो राजस्थान, जो बिहार, असम का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा, आखिरकार कब जारी किया जाएगा। अब जो देखो नोटिफिकेशन इसकी जो वेबसाइट है वो भी हैंग कर रही है और आपका मैं बताऊँ एक राज्य का रिजल्ट 21 या 22 नवंबर को रिजल्ट घोषित होने वाला है किसी भी एक राज्य का, चाहे वो राजस्थान हो सकता है, बिहार हो सकता है, असम हो सकता है या यू एमपी भी हो सकता है। अभी मैं आपकी इसकी जो वेबसाइट हैंग प्रॉब्लम आ रही है उस पर कोई कार्य चल रहा है, तो इसको देखते हुए कल भी एक परिणाम आ सकता है किसी भी राज्य का, कल भी एक जो है परिणाम जारी किया जा सकता है, ये मैं आपको बता दूं। और देखो मैं आपकी इसकी वेबसाइट बता रहा हूं जिसमें जो है एनसीबीटी आयोग के द्वारा जो ये अपडेट है कि टेम्प्रोली जो है ब्लॉक की गई है एनसीबीटी आयोग के द्वारा, क्योंकि कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेस टेम्प्रोली ब्लॉक्ड, पब्लिक एक्सेस टू एनसीबीटी पोर्टल हैज बीन टेम्प्रोली ब्लॉक्ड ड्यू टू सम क्रिटिकल एक्टिविटी बीइंग डन एट वैक एंड। यदि आप ये जो एक्टिविटी खत्म हो जाने के बाद जो है वेबसाइट वापस जो है पुनः शुरू की जाएगी, लेकिन उस पर कोई अपलोडिंग चल रही है इसलिए जो है इसलिए कल तक आपका जो रिजल्ट है किसी ना किसी एक का तो आ जाएगा और 21 और 22 नंबर को पक्का 100% जो किसी ना एक का रिजल्ट आने वाला मुझे ज़्यादा संभावना है वो यूपी की लग रही है। और आपके किसी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डाउट है सबको संपूर्ण जरूर देखना है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, यदि आपके किसी भी मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस में है डाउट, तो आपको इसके डाउटेड के व्हाट्सएप नंबर पर जाना है और यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चंस की एक फ़ोटो आपको यहाँ पर लेनी है और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करना है, जैसे मैं कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, ये जो मैंने फ़ोटो ले ली और आपको इसका कैमरा फ़ोटो निकाल के आपको सेंड कर लेना है, आपको तुरंत ही इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन भेज दिया तो यहाँ पर कुछ ही 10 सेकेंड में जो है आपका आंसर आपके पास होगा, चाहे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री को, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न इसका जो आंसर है मुझे मिल गया है। तो यदि आपको ऐसी एप्लीकेशन ये डाउटनेट के व्हाट्सअप नंबर अच्छे लगे तो बस आपको ये यूज़ ज़रूर कीजिए मैथ्स के क्वेश्चंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में। और इसके ऐप के माध्यम से भी आप फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं, बहुत अच्छे वर्णित आंसर यहाँ पर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा। ये पूरा जो ऐप है इसका जिसका नाम है डाउटनट ऐप, इसकी पूरी जानकारी की लिंक टोटल मुझे जानकारी आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आपको जो डाउटनट के व्हाट्सअप नंबर आपको टोटल जो जानकारी है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन जो हेल्प कर सकते हैं और जेईई मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस डाउटनट ऐप को जरूर डाउनलोड करें और टोटल आपको जो आईआईटी की जो मैथ्स एंड यहाँ से आप जो है पिकअप कर सकते हैं। तो बस ये जानकारी आपको ये जरूर डाउनलोड करना चाहिए।